वेलकम टू मियागुर किचन। आज यहाँ बनने जा रहा है 3 टैप चिकन स्ट्रिप। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैंने ऑलरेडी इसे मैरिनेट करके रख दिया है। तो उसमें क्या क्या मैंने डाल के मैरिनेट करा है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको रेड का बताऊंगी। इसके अंदर मैंने डाली हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और टिक्का मसाला मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, वही मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहे तो मार्केट से भी लेकर इसके अंदर डाल सकते हैं। और व्हाइट के अंदर मैंने डाली हूँ गार्लिक जिंजर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 4 टीस्पून फ्रेश क्रीम और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो मलाई भी इसमें डाल सकते हैं या तो फ्रेश क्रीम खरीद के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 कप हरी मिर्च चटनी जो नॉर्मली घर में बनती है हरी मिर्च से और कोथमीर और पुदीने से। तो मैंने यहाँ फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ही तेल डालूंगी। तो मेरा तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं चिकन डालूंगी। पहला मैं व्हाइट को फ्राई करके ले लूँगी। तो मैंने पहला व्हाइट चिकन डाला है, अब मैंने इसको निकाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी रेड, रेड को भी उसी ही फ्राई पैन में हमें फ्राई करना है। हमें पहले अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए और मॉइस्ट ना हो जाए, तब तक ऐसे फ्राई करना है। आप चाहे तो ढक के भी रख सकते हैं, मैंने ढक के रखी थी ताकि अच्छे से वो कुक हो जाए। अब मैं इसको यहाँ से निकाल रही हूँ, मेरा चिकन पक गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ चिकन को निकाल लिया है। अब मैं ग्रीन के लिए अलग कढ़ाई लूँगी जिसके अंदर थोड़ा सा तेल डालूँगी। ग्रीन को हमें अलग फ्राई करना है क्योंकि ग्रीन का जो कलर है वो हमें ख़राब नहीं करना है। इसके लिए मैंने फ्राई पैन को हटा दिया है और ग्रीन को मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ। तेल गर्म होने पे हमें इसे डालना है। तो अब मैं धीरे धीरे सारे चिकन्स को इसमें डाल दूँगी। हमें इसे थोड़े टाइम तक का पकाना है और अब ये पक के रेडी है। अब हमें इसे बारबेक्यू करना है, तो बारबेक्यू के लिए हमें चाहिए स्टिक। इसके अंदर मैं डालूंगी एक एक करके हमारा हरियाली चिकन स्टिक। तो आपको इसी तरह से स्टिक के अंदर डालना है, हमें इसे स्टिक के अंदर डाल देने का है सभी को, ताकि हमें इसे बारबेक्यू कर सके, अच्छा स्मोकी फ्लेवर इसमें एग्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ एक नेट यानी कि जाली ले लेने की है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे और इसे ज़्यादा नहीं रखने का है, बस 1 मिनट तक का ही इसे इस पर बारबेक्यू करना है। तो ये अब रेडी टू सर्व है। इसके साथ में मैंने ली हूँ मटर की खिचड़ी, मैं आपको आगे बताऊँगी। इससे पहले मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मटर की खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ ले ली हूँ तपेली, जिसके अंदर मैं डालूँगी 3 छोटी कटोरी तेल। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मटर खिचड़ी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए। मेरा तेल गरम हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला, जिसके अंदर रहेगी 2 इलायची, 1 छोटी टुकड़ी तज और 1 फूल। ये गरम हो जाने के बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज, मैंने 3 प्याज बारीक काट के रख दी थी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। प्याज को हमें गोल्डन एंड ब्राउन पका लेना है। तो मेरी प्याज जैसे ही गोल्डन एंड ब्राउन होगी तो उसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर काट लिए थे, अब मैं इसे अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी चटनी जो नॉर्मली सबके घर पे रहती है, तो मैंने वो सब
दो टीस्पून ली थी जिसे मैंने डाल दी हूँ, और सूखे मसाले में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाली हूँ। अब इसे 10 मिनट तक का पकाना है। 10 मिनट हो गया है, मेरा तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसमें डालूंगी नमक, वो भी मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइए। अब इसमें जाएगा मटर, मैंने 1 कटोरी मटर ले ली हूँ जिसको मैंने डाल दी उसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से घुमा लेना है, अच्छे से पका लेना है। अब इसे 5 मिनट तक का हमें रख देने का है। इसे ढक के मैं 5 मिनट रख दूंगी, इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूंगी, लेकिन इससे पहले हमें इसे ढक देना है ताकि हमारे मटर भी है वो बॉयल हो जाए इसी के अंदर। तो अब ये हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 बाउल चावल। अब इसे अच्छे से घुमा लेना है। अब चाहे तो बासमती राइस से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मली जो घर में यूज़ होता है वो चावल लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, जितना नरम मुझे पकाना है उस हिसाब से। ऊपर से मैं डालूंगी कोथमीर, और फिर हमें इसे 10 मिनट तक का ढक के रखना है। अब ये रेडी टू सर्व है, मेरा मटर की खिचड़ी बन चुकी है। तो आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।